स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वर्जन इंग्लिश गुरुकुल में। मैं आपको हर एक वर्ड का उसे हिंदी में लिख के बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक रह सके, और साथ ही साथ हर एक वर्ब का फॉर्म भी बताता हूँ और किस जगह पे कौन से ग्रामर का यूज हुआ है वो भी बताता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से ग्रामर भी यहाँ से तैयारी कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। यकीन मानिए बहुत ही जल्द आप इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीख जाएंगे और सही से आप पढ़ना भी सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो कहानी है ये क्या है, अनहेल्पफुल फ्रेंड। ये क्या है, एक प्रकार की ये प्रेरणादायक कहानी है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि कैसे अनहेल्प मतलब जो होता है अनुपयोगी दोस्त, उसके बारे में जानेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनहेल्पफुल फ्रेंड मतलब होता है अनुपयोगी मित्र, ठीक है, अनुपयोगी दोस्त, ये आज का शीर्षक है। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। फनी रैबिट, ये बन्नी जो है ना, ये बन्नी क्या है, किसी खरगोश का नाम है, ठीक है, इसलिए लिखा है यहाँ पे बन्नी रैबिट। बन्नी खरगोश, रैबिट इंग्लिश होता है खरगोश, ठीक है। बन्नी खरगोश, ली मींस होता है रहना, यहाँ पे डी लगा हुआ है, यानी ये क्या हो गया, वर्ब का दूसरा रूप हो गया, क्या हो जाएगा, रहता था, ठीक है। जहाँ भी अगर वर्ब का आप दूसरा रूप देखते हैं उसमें वो हमेशा क्या होता है, उसमें हम लोग था लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहता था, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, इन मींस होता है मैं और फॉरेस्ट मींस होता है जंगल, यानी एक बन्नी नाम का खरगोश जो था वो कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, ठीक है। ही हैड मैनी फ्रेंड, ठीक है, उसके यहाँ पे क्या हैड लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पास था। मैनी मतलब क्या होता है, अनेक। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, उसके पास बहुत सारे क्या दोस्त थे। ही हैव मतलब, ही मतलब क्या, तो वह वाज मतलब था, ठीक है, क्या करता था। प्राउड मतलब क्या था, मतलब गर्व, वह गर्व करता था। ऑफ मतलब होता है का या फिर की। हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों पे, वह अपने दोस्तों पे क्या करते थे, गर्व क्या करता था, ठीक है। वन डे मतलब होता है एक दिन, एक दिन। बन्नी रेबिट हेयर मतलब होता है सुना, ठीक है, हेयर मीन्स होता है सुनना, यहाँ पे डी लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, सुना। बन्नी खरगोश, हेयर मीन्स क्या हो गया, सुना। द लॉर्ड बार्किंग, यानी लॉर्ड मीन्स क्या होता है, ऊंचा, ठीक है। लॉर्ड बार्किंग मतलब क्या हुआ, ऊंची आवाज, यानी जो भोंकने की जो आवाज़ होता है ना कुत्ते की, उसको बोलते हैं बार्किंग, ठीक है, यानी ऊंची भोंकने की आवाज़, ठीक है। ऑफ मतलब होता है का। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, जंगली डॉग्स मीन्स क्या होता है, कुत्ता, यानी जंगली कुत्ते की भोंकने की ऊंची आवाज़ क्या क्या बन्नी खरगोश ने सुना, ठीक है। ही वॉज वेरी स्केयर्ड, तो वह था, वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, स्केयर मतलब होता है डरा होना, ठीक है। यहाँ पे स्केयर मीन्स होता है डरना, यहाँ पे ईडी लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, डरा, यानी वह क्या, बहुत डरा हुआ था, ठीक है। ही डिसाइड, वह या फिर उन्होंने, डिसाइडेड मीन्स क्या होता है, फैसला किया, डिसाइड का अगर यहाँ बात होता तो क्या होता है, फैसला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईडी लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, फैसला किया, फैसला किया, ठीक है। अब किस चीज़ का किया, अब देखें यहाँ पे आक्स मतलब क्या होता है, मांगने की, उन्होंने फैसला किया, आक्स मतलब क्या होता है, मांगना, ठीक है। फोर हेल्प, हेल्प मीन्स होता है मदद, है फोर मतलब के लिए, ठीक है, मदद मांगने के लिए का, मदद मांगने का क्या किया, फैसला किया। ही मीन्स होता है वह, क्विकली मतलब होता है तेजी से, तेजी से, ठीक है। गो मिस होता है जाना, गो मिस होता है जाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट, वेंट का मतलब हो गया गया। वह गया टू
देखिए आप अगर यहाँ पे जो टू का यूज हुआ है ना, ये क्या होता है, अगर कहीं आप जा रहे हैं ठीक है, उसके पहले क्या लगाते हैं लोग टू लगाते हैं ठीक है। कहाँ जा रहा था वो, अपने दोस्तों के पास जा रहा था ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या लगा, टू लगा ठीक है। ही मतलब होता है अपने ठीक है, या फिर अपनी दोस्तों, वह अपने दोस्तों के पास गया, या फिर डियर है मतलब क्या था, प्रिय यानी प्यारे दोस्तों के पास गया ठीक है। ही सेड, वह कहा या फिर उन्होंने कहा, डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त या फिर प्रिय दोस्त, सम वाइल्ड डॉग आर चेयरिंग मी, सम मतलब क्या होता है कुछ, वाइल्ड डॉग का मतलब होता है जंगली, यहाँ पे एस लगा इसलिए क्या हो जाएगा कुत्ते, जंगली कुत्ते कुत्ते हैं, चेयरिंग मतलब होता है पीछा करना, पीछा कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कर, यहाँ पे आई एन जी है इसलिए क्या हो जाएगा वो काम को कर रहा है ठीक है, क्या काम कर रहा है, पीछा करने का काम क्या है जारी है ठीक है, यानी कुछ जंगली कुत्ते मुझे पीछा कर रहे हैं, यहाँ पे मी है इसलिए क्या हो जाएगा मुझे, समझ में आ गया ना। अब देखिए कैन यू चेज देम ठीक है, कैन मतलब क्या था सकना, यू मतलब होता है आप या फिर तुम, चेज मतलब क्या होता है पीछे, या फिर पीछा, देम मतलब उन्हें, अब ये मतलब क्या था दूर। अब यहाँ पे बोलिए क्या आप ठीक है, यहाँ पे कैन लग गया ठीक है, यहाँ पे इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, कैन यू कैन चीज देम अवे विथ योर साथ, विथ मतलब होता है क्या साथ, योर मतलब होता है आपके, साथ मिस होता है तेज, और यहाँ देखिए एंटलियर मिस होता है सिंग, तो इसका पूरे का सेंस क्या होता है, क्या आप ठीक है जो पीछा कर रहा है ठीक है, आप क्या आप उन्हें दूर भगा सकते हैं पीछा करके, यानी किसके द्वारा, तेज सिंह के द्वारा ठीक है। ये किसको कहता है, वो जो जंगली कुत्ता को भगाने की बात जो कर रहा है ठीक है, कौन कह रहा है, जो खरगोश है, वो खरगोश क्या कहता है अपने दोस्त को कि वो क्या उसे आप अपने सिंह तेज सिंह के क्या भगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए द डियर सेड, यानी डियर मीन्स क्या था हरिन ठीक है, कहा क्या कहता है, दैट इज राइट, यह तो सही है, यह तो सही है ठीक है, दैट इज राइट मतलब होता है यह सही है, फिर यह तो सही है, आई कैन मैं कर सकता हूँ लेकिन ठीक है, लेकिन बट मीन्स क्या था, लेकिन अब आई एम मैं हूँ बिजी मतलब होता है व्यस्त, मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं बिजी हूँ। अब आगे देखिए क्या कहता है, वाई डोंट यू, आप ठीक है, आप ठीक है, अब यहाँ पर डोंट यू लगी है ना, तो इसका मतलब क्या गया, यहाँ पे वाई लगा इसलिए क्या हो जाएगा, क्यों नहीं ठीक है, आप क्यों नहीं ठीक है, आप मतलब क्या होता है कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं, बियर मिस होता है भालू ठीक है, फॉर मिस से हेल्प मतलब क्या होता है मदद, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप भालू से मदद के लिए क्यों नहीं कहते हैं ठीक है। बन्नी रेबिट रैन टू द बियर, यानी जो बन्नी खरगोश ठीक है, बन्नी खरगोश, रन मिस होता है दौड़ना ठीक है, यहाँ पे रन मतलब क्या हुआ, दौड़ते हुए गया, यहाँ पे क्या देख गया, बन्नी जो बन्नी खरगोश था वो गया किसके पास, गया टू डियर मतलब द डियर मतलब क्या होता है खरगोश मतलब बियर मतलब होता है भालू, वो क्या भालू के पास गया ठीक है। माय डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, यू आर वेरी स्ट्रांग, तुम हो वेरी मतलब क्या होता है बहुत, स्ट्रांग होता है मजबूत ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम बहुत मजबूत हो, प्लीज मतलब होता है कृपया, कृपया हेल्प मी मेरी मदद करें, हेल्प मी क्या होता है मदद ठीक है, मी मतलब होता है मुझे ठीक है, कृपया मेरी मदद करें। सम वाइल्ड डॉग यानी कुछ जंगली कुत्ते
कुछ जंगली कुत्ते हैं आफ्टर मी, मी में होता है मुझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मी के पहले आफ्टर लगाया ना, इसका मतलब भी क्या होता है, पीछे। ठीक है, कुछ जंगली कुत्ते मेरे पीछे पड़े हैं। ठीक है, कृपया कृपया चीज दैम, मतलब उन्हें। ठीक है, अब यहाँ पे चीज का जो प्रयोग हुआ है ना, यहाँ पे चीज अवे मतलब होता है दूर भगाना। चीज अवे यहाँ पे दैम यहाँ पे लग गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज अवे का मतलब क्या होता है, दूर भगाना। ये समझ में आ गया ना, ही मतलब होता है वह। ठीक है, रिक्वेस्टेड टू द बियर, रिक्वेस्टेड मीन्स क्या होता है, अनुरोध किया, अनुरोध किया। ठीक है, किससे अनुरोध किया, द बियर यानी भालू से। अब देखिए आगे की घटना क्या होता है, द बियर रिप्लाइड, भालू ने उत्तर दिया, भालू ने उत्तर दिया। ठीक है, या फिर जवाब दिया, आई एम सॉरी। ठीक है, मुझे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करें, माफ करें, आई एम हंग्री, मैं हूँ, हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा, मैं भूखा हूँ, और टायर्ड, टायर्ड मीन्स क्या होता है, थका, और थका हूँ। ठीक है, आई नीड, मुझे नीड मीन्स क्या होता है, ज़रूरत। ठीक है, मुझे ज़रूरत है टू फाइंड सम फूड, यानी फाइंड मीन्स क्या होता है, ढूंढना। सम मतलब होता है कुछ, भोजन, यानी मुझे कुछ भोजन ढूंढने की ज़रूरत है। प्लीज आस्क द मंकी फॉर हेल्प, प्लीज मीन्स क्या होता है, कृपया, या फिर कृपा, आस्क मतलब क्या होता है, कहें। ठीक है, द मंकी यानी बंदर से, हेल्प मीन्स होता है क्या, के लिए, हेल्प मीन्स होता है मदद, कृपया बंदर से मदद के लिए कहें। ठीक है, पुअर बन्नी वेंट यानी गरीब, गरीब या फिर कमजोर। ठीक है, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब ही नहीं होता है कभी कभी, बल्कि क्या होता है, कमजोर भी होता है। ठीक है, पुअर बन्नी, ठीक है, वेंट मीन्स होता है क्या, गया, गो मीन्स होता है जाना, वेंट मीन्स क्या होता है, गया, टू किसके पास गया, मंकी के पास यानी बंदर के पास। ठीक है, द एलिफेंट हाथी, द गॉट बकरी, और ऑल हीज अदर फ्रेंड यानी सभी, ठीक है, उसके अन्य, अदर मीन्स क्या होता है, अन्य दोस्त, सभी उसके अन्य दोस्तों जो थे, ठीक है, बन्नी, सभी उनके जो अन्य दोस्त थे, अब देखिए यहाँ पर कहते हैं बन्नी फील्ड मतलब क्या होता है, महसूस किया, महसूस किया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सेड मतलब उदास, यानी बन्नी ने क्या, बन्नी उदासी से, ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं बन्नी को बहुत दुख हुआ। ठीक है, सेड मीन्स क्या होता है, दुखी भी होता है। ठीक है, या फिर इसका क्या होगा, बन्नी बहुत दुख हुआ कि, ठीक है, नोबडी मतलब होता है क्या, कोई भी, कोई भी, यहाँ पे क्या होता था, रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार। ठीक है, टू हेल्प मतलब होता है मदद, देम मतलब क्या होता है, उसे। ठीक है, उसे कोई, देखिए यहाँ पे मदद करने के लिए उसे कोई भी तैयार नहीं हुआ। ठीक है, ही अंडरस्टूड, वह अंडरस्टूड मतलब क्या था, समझ गया, समझ गया कि, ठीक है, ही हैड टू, ही मतलब क्या था, वह हैड टू मतलब क्या था, करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, थिंक यानी ही हैड टू, ठीक है, उसे सोचना पड़ेगा। जहाँ भी अगर कहीं आप हैड टू का देख लिए तो उसको, उसका मतलब होता है क्या, वही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या काम करना पड़ेगा, सोचने का काम, उसको क्या करना पड़ेगा, यानी उसे सोचना पड़ेगा कि, ठीक है, ए वे यानी एक रास्ता, उसे एक रास्ता सोचना पड़ेगा। ठीक है, वे आउट मतलब क्या, एक रास्ता निकालना पड़ेगा, बाय मतलब होता है क्या, द्वारा, हिमसेल्फ यानी स्वयं, उसे एक स्वयं एक रास्ता निकालना पड़ेगा। ही मतलब वह, हाइड मीन्स क्या होता है, छिपा, वह छिपा अंडर ए ब्रूस, मतलब ब्रूस मीन्स क्या होता है, झाड़ी। ठीक है, ए मीन्स होता है एक, अंडर मतलब क्या होता है, नीचे, एक झाड़ी के नीचे क्या हुआ, वह छिप गया। ठीक है, ही मतलब तो वह, ले मतलब क्या होता है, पड़ा रहा,
या फिर पड़ा गया, ठीक है। फेरी मतलब क्या आता है? बहुत, ठीक है। स्टिल मतलब क्या आता है? शांत, बहुत ही शांत है। क्या हुआ वहाँ? पड़ा रहा, ठीक है। द वाइल्ड डॉग यानी जंगली कुत्ता, जंगली जो कुत्ते थे, ठीक है, डिड नॉट फाइंड मतलब होता है नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। जंगली कुत्ता क्या किया? नहीं ढूंढ पाया, ठीक है। बन्नी यानी बन्नी को, बन्नी को क्या किया? जंगली कुत्ता नहीं ढूंढ पाया। यानी दे मिस होता हुए, ठीक है। वेंट मतलब क्या था? गए। चेरी मतलब होता है पीछा करने, पीछा करने। अदर एनिमल मीन्स क्या होता है? अन्य जानवरों। अब देखिए यहाँ पे जो बन्नी, जो बन्नी खरगोश जो था वो क्या हुआ? झाड़ी, झाड़ी के नीचे क्या हुआ? शांति से बैठ गया या फिर छिप गया, ठीक है। जिसके कारण से जो जंगली कुत्ता था उस खरगोश को नहीं ढूंढ पाया, जिस कारण से वे जो खरगोश मतलब वे जो कुत्ते थे वे क्या किए? दूसरे जानवरों के पीछे क्या? पीछा करने चले गए। बन्नी रेबिट लर्न यानी बन्नी खरगोश, ठीक है। लर्न मतलब क्या था? सीखना या फिर समझना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं? समझ गया या फिर सीख गया। कि डैट मतलब होता है कि ही हैड टू लर्न यानी उसे, ठीक है, हैड टू लर्न मतलब क्या था? सीखना पड़ा, सीखना पड़ा। क्या सीखना पड़ा? टू सर्वाइव मतलब होता है जीवित, ठीक है, जीवित रहने के लिए। बाय हिमसेल्फ यानी द्वारा यानी स्वयं, जीवित रहने के लिए स्वयं ही क्या करना चाहिए? स्वयं रहना चाहिए, ठीक है। नॉट डिपेंडिंग मतलब होता है नहीं डिपेंडिंग मतलब क्या था? आश्रित, ठीक है, आश्रित नहीं होना चाहिए। ऑन मतलब क्या था? पर हीज मतलब क्या था? उसके या फिर अपने, अपने। अनहेल्पफुल फ्रेंड मतलब क्या था? अनुपयोगी, ठीक है। अपने अपने क्या? अनुपयोगी दोस्तों पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोरल इसका क्या है? अब देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नैतिक यानी या फिर सीख। इट इज बेटर यानी यह अच्छा है, यह बेहतर है या फिर यह अच्छा है। टू रिले, रिले मतलब होता है भरोसा करना, ठीक है। ऑन योर सेल्फ यानी अपने पर, अपने स्वयं पर, ठीक है। देन डिपेंडेंट ऑन अदर, देन मतलब क्या होता है? या फिर तब, ठीक है। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? मतलब आश्रित होना, ठीक है। ऑन अदर यानी दूसरे पर, दूसरे अन्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो बेहतर यही है कि अपने पे क्या भरोसा करें, लेकिन दूसरे दूसरे से मतलब दूसरे पे भरोसा करने से बेहतर क्या है? खुद पे ही भरोसा करें, यही क्या बेहतर है। चलिए इस वीडियो को समझ में आया होगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। जय हिंद।